सत श्री अकाल मेरे किसान भरावो, आपका अज मैं फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल के उत्ते स्वागत करता हाँ। अज मैं आप जी कुछ गल्लां सांझियां करना चाहुंदा आ। मेरा अज का जिहड़ा टॉपिक होएगा वो होएगा किचन गार्डन के उत्ते, ते मैं आप दे नाल अज डैमो जिहड़ी हैगी लाइव तुहाडे नाल पूरियां दसांगा। तो जिहदे विच पहलां तां मैं गल करांगा कि किचन गार्डन के विच असीं दो तरह दीआं सब्जियां, दो सीजनल सब्जियां जिहड़ियां उगाउंदे आ, जिहदे विच पहली हैगी आ गर्म रुत्त दी, दूजी हैगी आ सर्द रुत्त दी। गर्म रुत्त दे विच जे मैं गल करां कि इहदे विच कद्दू जाति दीआं जिहड़ियां हैगीआं सब्जियां आउंदियां आ, खीरा आउंदा हैगा आ, तरह आउंदियां हैगीआं आ। इहदे विच असीं जिहनूं असीं बेंगन कहिंदे आ ब्रिंजल, उह वी असीं इहदे विच उगा सकदे आ। इहदे विच असीं अपने घर दे लई मिर्चां वी उगा सकदे आ। इस ही रुत्त दे दौरान असीं मार्च तों लै के फरवरी मार्च के पीरियड के खास करके फरवरी मार्च के पीरियड के इन्हों असी उगाने एज ए गर्म रुत्त दीआं सब्जियां दे तौर पर। जे मैं गल करां कि ये असी होर की कर सकते हैं, ये असी हल्दी की भी कल्टीवेशन ऐसे ही समय के ही होंगी है। असी इस दौरान ही असी अपना जिहड़ा सीड हैगा जमीन दे विच उगाने आ, ते इहदी जिहड़ी प्रोडक्शन हैगी आ उह सानूं जून जुलाई अगस्त तक मिलती है, तो एंड सितंबर तक असी इस दे विचों असी लै सकते हैं। पर असी उस तो पहला असी इस चीज़ नूं रिमूव करके गाहां दी जिहड़ी हैगी आ सियालां दीआं जिहड़ियां हैगीआं सब्जियां दे उत्ते ही कम करना शुरू कर दिंदे आ, तां कि साडे कोल जिहड़ा हैगा आ जिहड़ा सब्जियां जिहड़ियां हैगीआं साडे कोल टाइम सिर साडे कोल उपलब्ध होण। असी जे गल करिए इस दी लोड दी, इहदी मेन लोड तां करके पई आ क्योंकि ये जिहड़ी हैगी आ किचन गार्डन, एक तां इहदे विच गल करिए ते जिन्ने सानू मिनरल्स न्यूट्रिशंस जां विटामिन्स मिलदे हैगे आ उह सानू इस दे विच घरेलू बगीचे विचों ही मिल जाने चंगे आ। असी आर्टिफिशियल तरीके दे नाल जे असी इन्हां चीज़ां नू असी लैने आ, चाहे वह कह लो फार्मासिस्ट के थ्रू लैने आ, तो वो साडी किते ना किते बॉडी दे उत्ते अफैक्ट करते हैं। तो असी मेन साडा जिहड़ा मेन मोटिव हैगा आ कैमिकल फ्री खेती ही करना आ, जिहनूं असी कुदरती खेती ही कह सकते हैं। इहदे विच असी मुख रूप दे विच जिहड़ा असी तैयार करते हैं फील्ड, उहदे विच असी फार्म यार्ड मन्योर की वरतों करते हैं। इहदे विच बहुत सारा ऑरगैनिक मैटर हुंदा आ, इहदे नाल असी कैमिकल खेती तो बचते हैं शुरुआत वेले। उस तों बाद सीड ट्रीटमेंट जिहड़ा हैगा उहनूं वी असी एक खास तौर दे उत्ते उस ट्रीटमेंट करन दे टाइम असी एक तां वाटर दे विच सॉफ्ट करते हैं, उस तों बाद असी गोहे दे नाल उसनूं थोड़ा जिहा ट्रीट करते हैं ताकि उहदे विच जिहड़े जर्म्स वगैरह जिहड़े हैगे आ जां फंजीसाइड्स फंगल वगैरह जिहड़ियां हैगीआं इनफेक्शनस उहदे तों दूर हो जाण, इहदे लई असी थोड़ा जिहा साल्ट वी उहदे विच यूज करते हैं। गाहां गल आ जांदी हैगी आ वी इसनूं असी किस तरह उगाउणा आ। असी इसनूं दो तरह उगा सकते हैं, डायरैक्ट प्लान सोइंग, तो पहला मैथड जिहड़ा हैगा आ जिहनूं असी ज़्यादा सूटेबल असी कह सकते हैं वो हैगा आ ट्रांसप्लांट मैथड। पहला तो असी इसकी नर्सरी तैयार करांगे, नर्सरी तैयार करन दे लई असी कुछ गल्लां दा खास ध्यान रखते हैं कि असी नर्सरी जिहड़ी हैगी आ वो पोर्ट्रेट जिहड़ियां हैगीआं साडे कोल ट्रेस हुंदियां हैगीआं, मैं तुहानूं दिखाना चाहुंदा आ वो इस तरह दीआं हुंदियां हैगीआं। मैं इहनां दे विच एक जस्ट एक डैमो आ, इहदे विच असी उगाउने आ जिहड़ियां हैगीआं सब्जियां आ उहनूं असी फरवरी दी स्टार्टिंग दे विच इहदे विच असी अपनी जिहड़ी हैगी सीड इहदे विच ग्रो करन दे लई तैयार कर लैंदे आ। उस तों बाद असी जिहड़ा तैयार हो जांदी आ ते असी मार्च दे 31 तरीक तों पहलां पहलां असी अपने फील्ड दे विच इस नूं इंप्लीमेंट जां ट्रांसप्लांट कर दिंदे आ, ठीक है जी। उस तों बाद गल आ जांदी हैगी आ डायरैक्ट सोइंग दी, उहदे विच मेन दो तरह दे आ, एक तां खीरा आ ते एक जिहड़ा हैगा तर, इह दो चीज़ां जिहड़ियां हैगीआं आ उहनूं असी डायरैक्ट सोइंग मैथड दे नाल वी कर सकते हैं। भिंडियां दी गल आ जांदी आ उहनूं वी असी मोस्टली डायरैक्ट सोइंग मैथड दे तौर ते ही यूज़ करते हैं, उहदे विच असी उसनूं जमाउण दे लई। फिर आ जांदी गल हैगी आ वी उसनूं असी एंड प्रोडक्ट तक किदां लै के जाणा, कुछ प्रैक्टिस इदां दीआं जिहड़ियां हैगीआं तुसीं उहनूं यूज़ कर सकते, जिहनां विच असी गल करिए ते जम्मण तों लै के उहदे बूटे दे ग्रोथ तों लै के एंड प्रोडक्ट जदों तक उहदा फ्रूट नहीं लग जांदा,
उदों तक उस बहुत सारिया इनसैक्ट पेस्ट आते हैं पर डरने वाली कोई गल नहीं। ठीक है जी, उस असी एक साढ़े को मिश्रत घोल आ जिस असी यूज़ करते हैं वो जिदे जिदे असी मेन तौर के उ गोहा जोड़ा है फ्रैश गोहा उसनों असी यूज़ करते हैं। मेरे को बनिया भी पाया 10 लीटर की बाल्टी है जिदे असी 1 किलो जोड़ा गोहा है उसनों यूज़ करते हैं तो असी 9.5 लीटर जोड़ा है पानी पा के उन्होंने चंगी तरह डंडे घोल के एक रात इदें ही रखना है तो ढकना मेरे वीरियो इनू ये अखबार के नाल आ तो किसी मैटल के नाल नहीं ढकना क्योंकि वो ये उत्ते रिएक्शन जोड़े है बहुत सारे हो जाते हैं। गह गल करते हैं फिर इस यूज़ की इनू असी चंगी तरह नतार लिया पानी नतारन तो बाद असी इसका जोड़ा यूज़ आ एक एज ए पैसीसाइड फंजीसाइड जिस तरह का मर्जी तुम कह सकते हैं कि उल्ली नाशक नदी अपने कीड़िया मकौड़ों को बचाने के लिए इसनों ही यूज़ करते हैं। रह गई गल नदीना की वो असी कंट्रोल करते हैं हत्थां दे नाल कढ़ के। ठीक है जी, उस तो बाद गल आती हैगी प्रोडक्ट की तुम देख सकते हो कि मेरे को देसी वरायटी का जोड़ा है खीरा भी पिया आ तो आ जी हैगी वरायटी जी है तरदी जी नवी डिवेलप्ड अंडर ट्रायल इस तरह आ कि एक तो क्रॉसिंग हुई खीरे की तरदी वो ये प्रोडक्ट बनया। फिर गल करा कि मैं इसलिए डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर के एक इतिहासिक पिंड धूतकलां बिलोंग करता हाँ तो मेरी जी जिथे मेरे हैगा है मेरा रीजन आ इनू असी अंबा का रीजन कहने इनू मैंगो बेल्ट होने के नाते जोड़े है कुछ मैंगो वरायटीज़ जगह मेरे को इस वेल उपलब्ध आ जड़िया कि इस वे मेरे को फ्रूट दे रही हाँ तो उत्तों गह गल करा कि मैं मेरे को COJ85 जोड़ा है कमाद आ तुम देख सकते हो कि इस सब्जी की एरिए तो गह है जोड़ा कमाद आदि मेन रूप के जोड़ा कमाद तो बाद असी वो जो प्रोडक्ट जोड़े लें वो है शक्कर तुम देख सकते हो जी शक्कर की क्वालिटी आ इन्नी क वधिया है कि इसनों असी लौंग टाइम तक भी इन स्टोर कर सकते हैं तो ये जी खुशबू आ एक एन प्योर मिठे मगू आ कि रूह खुश होने वाली गल आ क्योंकि एंड प्रोडक्ट जिसले भी किसी किसान के कोल हाथ दे विच आउंदा आ तो बड़ा ही खुश हुंदा आ। तां ही विसाखी का जिहड़ा त्यौहार आ कणकां दी वाढ़ी तो पहला शुरू हुंदा आ तो उहदे विच किसान खुश हुंदा आ। फिर गल आउंदी हैगी हल्दी की, हल्दी दे विच आ मेरे कोल उहदा ड्राई पीस हैगे आ उस तो बाद इनू असी पाउडर फॉर्म के करते हैं जो मेरे को हल्दी पाउडर हो जाती है इनू मैं धुप्पे सुखाना आ धो के उस तो बाद फिर ड्राई पीस बनते हैं ड्राई पीस बन तो बाद असी पाउडर फॉर्म तैयार करते हैं तो 85 जोड़ा है COJ85 का वह प्रोडक्ट आ गुड़। फिर मैं गल करा कि अंबा का इलाका होने के नाते मैं असी कुछ अचार जोड़ा है घर का वो भी असी तैयार हरेक साल ही करीदा आ घर के यूटिलाइजेशन के लिए जिस अंब का अचार है या, फिर साढ़े इलाके दे विच सब माउंटेन एरिया होने के कारण कुछ इदा वरायटी जिन्होंने अं ढेऊ कहने अचार जोड़ा है वह भी असं इतने ही तैयार करते हैं। फिर रही गल सियालों की क्योंकि हुण तां गर्मियां दा सीजन चलता पिया है गाह सियालों का आना है तो सियालों के कुछ इहो जिहे प्रोडक्ट हैं जिन्हों विचों असीं इन्हां नूं ड्राई पीस दे विच रख सकते हैं। हुण ड्राई फॉर्म दे विच रखण दे लई साडे कोल मेथी आ जां मेथा आ जां असीं उहनूं ड्राई करके चंगी तरह असी इसनों स्टोर कर सकते ताकि आने वाले टाइम के स्वाद असी लगातार अपने रसोई के उपलब्धता रखिए। फिर रही गल हुण इहदी लोड दी करोना वर्गी महामारी बीमारी दे विच सानूं डॉक्टर कह रहे कि तुसीं अपना जिहड़ा हैगा आ इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रखो पर इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रखण दे लई असी बहुत सारा चीज़ां दे उत्ते कम नहीं करना उहदे लई सानूं ही कम करना चाहिए क्योंकि साडी ही एक जनरेशन इहो जी जनरेशन आ जिहड़ी कि पिछली जनरेशन दे नाल कम कर रही है तो आने वाली जनरेशन दे उत्ते ही कम कर रही पई है। यानी कि कहिण दा मतलब पिछला जिहड़ा समां सी उह सीगा साइंस तों बिना आने वाला समां जिहड़ा हैगा उह सारा साइंस दे उत्ते ही डिपेंड आ तो इसलिए अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग करने के लिए घर की बगीची के जो प्रोडक्ट निकलते हैं जिन्हों विचों असीं वैजीटेबल कह सकते हैं जां कुछ फ्रूट कह सकते हैं वो साडी इम्यून सिस्टम नूं स्ट्रोंग करते हैं तो इहो जिहे मौके दे उत्ते असीं अपना जे खास तौर पर अपना जे ख्याल रखना चाहते हैं तो सानूं इस दे वल वधना चाहिए ताकि जिहड़ी घरेलू बगीची आ इहदी असीं
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਓ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਆਪ ਕੱਢੋ, ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਕਢਵਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 50 ਕੁ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਹੁਣ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ।